हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिव्या आर्य। मैं दिल्ली से हूँ और वहाँ से बहुत लंबा सफ़र तय किया है, पटना, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर, और अब वापस हम ऊपर चल रहे हैं और आए हैं नागपुर, इंडिया के दिल में। और यहाँ पे मुझे मिली है जाह्नवी। हाय, नमस्कार, मी जाह्नवी मुळे। मी BBC मराठीच्या टीम मधून आहे आणि आता आम्ही सगळे एकच टीम आहोत BBC शी, आणि आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे महाराष्ट्रातल्या महिलांच्या मनामध्ये काय चाललं आहे, त्यांना कुठला विषय महत्त्वाचा वाटतो आणि कुठल्या विषयावरती त्यांना बोलायचं आहे। कौन सबसे पहले बोलेगा? घरचे लोक आपल्यासाठी एक एज सेट करतात की 25-27 सगळं सेट झालंच पाहिजे, आणि जर नाही झालं तर लग्न करणं हे खूप गरजेचं आहे, किंवा समाजात आपल्याला ॲक्सेप्ट असं नाही करणार की जर मी 30 आहे माझ्या तर मला समाज ॲक्सेप्ट नाही करणार की मी लग्न झालेली असलीच पाहिजे। नसलेल एकटी सिंगल वुमन असल्या किंवा वर्क करत आहे तर खूप अवघड झालं आहे, स्पेशली नागपूरसारख्या शहरात। महिला भ्रूणहत्या जो खूप मोठा सुरू आहे आता, जसं गर्भपरीक्षण केल्या जाते, एकीकडे बेटी बचाव बेटी पढाव असा नारा दिला जातो आणि दुसरीकडे गर्भपरीक्षण केल्या जाते, याच्यामध्ये अनफॉर्च्युनेटली डॉक्टर पण त्याच्यामध्ये सपोर्ट करतात आणि आई वडिलांना सुद्धा याच्यावर काही ना काही, म्हणजे जसं त्यांना काहीतरी पनिशमेंट व्हायला पाहिजे असं मला वाटते। मीडिया ना बहुत ज्यादा ये कवर करती है, अगर कोई रिलीजन में कोई अच्छा चीज हो रहा है वो ज्यादा नहीं आता है सामने, बट अगर एक पर्टिक्युलर इंसान ने उस रिलीजन, तो पूरा रिलीजन पे ब्लेम किया चला जाता है। एंड एक बहुत स्टीरियोटाइप मेंटालिटी है इंटरकास्ट मैरिजेस को लेके, वो जिसने शादी की उसे क्या पनिशमेंट मिलती है वो दिखाया जाता है, रादर कि उनको कैसे सपोर्ट किया सबने वो नहीं कवर किया जाता है। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे को बहुत शौक चढ़ा था साइकिल से जाने का स्कूल, तो देन उसके बाद में व्हेन आई गॉट पीरियड्स तो बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था, तो मैं पापा को बोलती थी तबियत ठीक नहीं आज छोड़ दो, नहीं माने एक बार, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फिर मैंने बोला पापा पीरियड्स है छोड़ दो, ऐसे दो मिनट ऐसे देखे एंड देन ठीक है रेडी हो जाओ बैग लो चलते हैं, तो वो सिनारियो पूरा चेंज हो गया। उसके बाद से मम्मी भी बोलने लगे हाँ नहीं थकान हो रही है आज फर्स्ट डे आज सेकंड डे, तो मतलब वो एक कॉन्सेप्ट घर में चेंज हो गया, लाइक वो छोटा सा चेंज घर में बहुत मैटर किया मेरे लिए। बेसिकली द प्रॉब्लम इज माय मम्मी यूजेस सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, बट फेसबुक के न्यूज़ फीड में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर वो वीडियोज़ आते हैं कि खाना कैसे बनाया जाए, लड़की को फेयर कैसे किया जाए, दैट्स अ इशू। लाइक मम्मा पेजेस फॉलो करते हैं न्यूज़ के, बट न्यूज़ में भी यही आता है। थँक यू व्हेरी मच हमारे साथ इतने सारे आयडियाज शेअर करण्याके लिए। याच मुद्द्यांवरती आम्ही वार्तांकन करणार आहोत, जरूर फॉलो करा आमचा हॅशटॅग BBC शी।